दोस्तों बहुत सारे भाइयों के मस्तिष्क के अंदर एक विचार आता है दोस्तों, क्या हम ब्रह्मचर्या को फॉलो करके ही अपनी फोकस पावर को बढ़ा सकते हैं, क्या हम ब्रह्मचर्या को फॉलो करके ही अपने एनर्जी के लेवल को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो ब्रह्मचर्या को फॉलो नहीं करते हैं लेकिन फिर भी हट्टे कट्टे से दिखाई देते हैं तथा उनकी बॉडी के अंदर असीम ताकत दिखाई देती है। एक भाई ने कमेंट करके ये भी पूछा था कि एक साधारण व्यक्ति में और एक ब्रह्मचर्या को फॉलो करने वाले व्यक्ति में क्या अंतर होता है, तो इसी टॉपिक पर आज की इस वीडियो में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के लिए शुरू करते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं एक ब्रह्मचारी व्यक्ति को एक साधारण व्यक्ति से अलग बनाती हैं। दोस्तों सबसे पहले वो एक संयमी होता है, दोस्तों उसके अंदर संयम बहुत बड़ा होता है। किसी भी बुरी चीज़ की ओर अपने लिए बढ़ने से रोकने का जो संयम होता है वो बहुत ही गजब का होता है। उसका खुद पर माइंड ब्लोइंग कंट्रोल होता है। एक ब्रह्मचारी व्यक्ति जो ब्रह्मचर्या को फॉलो कर रहा है वो हमेशा हैप्पीनेस से भरा हुआ रहता है, वो खुशी से भरा हुआ रहता है। उसके अंदर स्ट्रेस नाम की चीज़ नहीं होती है। उसके चेहरे पर तेज एक साधारण व्यक्ति की अपेक्षा चेहरे की जो ग्लो होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी। उसकी आवाज़ के अंदर हमेशा कॉन्फिडेंस झलकता है। उसकी बातें, उसकी आवाज़ एक प्रभावशाली आवाज़ होती है। उसकी बातें लोगों को प्रभावित करने वाली होती हैं जिसकी वजह से एक साधारण व्यक्ति की अपेक्षा वो व्यक्ति थोड़ा अलग होता है। एक ब्रह्मचारी व्यक्ति हमेशा सतोगुणी होता है। एक साधारण व्यक्ति तमोगुणी भी हो सकता है, रजोगुणी भी हो सकता है, लेकिन एक ब्रह्मचारी व्यक्ति हमेशा सतोगुणी होता है। अगर आप कभी भी एक साधारण व्यक्ति और एक ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल को फॉलो करने वाले व्यक्ति की परीक्षा लेना चाहते हैं या फिर उसे आजमाना चाहते हैं कि हाँ ये सेलिब्रेसी में कितना ज़्यादा पावरफुल है, तो ऐसे में आप छोटी सी परीक्षा ले सकते हैं। दोस्तों आप उसे कुछ एक्टिविटीज से आप उसकी परीक्षा ले सकते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्मचारी होता है वो व्यक्ति कभी भी पॉर्न नहीं देखता है, वो व्यक्ति कभी भी सेक्सुअली कंटेंट के बारे में बात नहीं करता है, वो कभी भी सेक्सुअली कंटेंट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, वो व्यक्ति कभी भी सेक्सुअली कंटेंट को सोशल मीडिया पर वो नहीं देखता है। और एक साधारण व्यक्ति इन सब चीज़ों से बचा हुआ नहीं होता है। वो व्यक्ति जब सतोगुणी होता है तो वो अपनी फूड, अपनी डाइट प्लान, अपनी लाइफस्टाइल पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है जिसकी वजह से उसकी जो शारीरिक ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है तथा वो डिजीज़ फ्री भी रहता है। एक ब्रह्मचारी व्यक्ति का जो सबसे बड़ा गुण होता है वो ये होता है कि उसकी संगति में, उसके फ्रेंड सर्कल में चाहे कितने भी बुरे मित्र हों, चाहे कितने भी पॉर्न देखने वाले हों, लेकिन उन बुरे मित्रों का जो प्रभाव है, जो उनका असर है, वो उस पर कभी नहीं दिखाई देता है। ये सबसे बड़ा दोस्तों गुण होता है एक ब्रह्मचारी व्यक्ति में। एक साधारण व्यक्ति में थोड़े से भी बुरी संगत वाले व्यक्ति के साथ में पड़ने पर वो व्यक्ति उन बुरी आदतों का आदि हो जाता है। फाइनली दोस्तों मैं कुछ ऐसे प्रश्न आपके लिए बताना चाहूँगा दोस्तों, जिनको आप खुद से पूछकर, खुद से वो सवाल करके आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी ब्रह्मचर्या कितनी मजबूत है, आप कितने बड़े ब्रह्मचारी हैं तथा आपके अंदर जो ब्रह्मचर्या के रूल हैं वो कितने ज़्यादा कड़े मतलब कितने सख्त हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आप इन प्रश्नों का जवाब देकर, खुद से प्रश्न पूछकर बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। सबसे पहले आप संयमी हैं या नहीं हैं। अगर आपको कोई भी व्यक्ति सेक्सुअली कंटेंट की तरफ अट्रैक्ट करता है या फिर उसकी तरफ आपको ले जाता है तो क्या आप अपने आप पर कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं। अगर आप कर लेते हैं तो ये सबसे बड़ा साइन है आपके अंदर। और दोस्तों ये सबसे बड़ा गुण है, आप चाहे कितने भी बुरे मित्रों के अंदर रहते हैं, आप चाहे कितने भी बुरे व्यक्तियों के साथ में रहते हैं, आपके जो दोस्त हैं वो कितने भी बुरे हैं, उनके अंदर कितनी भी बुराइयां हैं, लेकिन उन बुराइयों का असर आप पर तो नहीं हो रहा है। अगर आप पर हो रहा है तो आप कभी भी ब्रह्मचर्या को फॉलो नहीं कर सकते हैं, आप कभी भी ब्रह्मचारी नहीं बन सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इन तीन चीज़ों को बहुत ज़रूरी है आपके अंदर होना। अगर हैं तो आप सही ट्रैक पर हैं और अगर नहीं हैं तो आप गलत ट्रैक पर हैं। नंबर एक, आपका संयमी होना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करो कि आपके अंदर की अच्छाइयाँ दूसरों के अंदर तो ट्रांसफॉर्म हो, दूसरे की बुराई आपके अंदर आ जाए तो ये बहुत बुरी चीज़ है। तो दोस्तों सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। और हाँ, हमेशा कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा खुद के लिए इम्प्रूव किया जाए। दोस्तों यही एक ब्रह्मचारी व्यक्ति की निशानी होती है, यही लक्षण होता है। एक साधारण व्यक्ति संयमी नहीं होता है। एक साधारण व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। एक साधारण व्यक्ति हमेशा बुराइयों को खोजता है, हमेशा बुरी चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहता है। लेकिन एक वो व्यक्ति जो ब्रह्मचर्या के पथ पर भ्रमण कर रहा है, वो व्यक्ति हर तरफ देखेगा, अच्छाइयों को खोजेगा, कोशिश करेगा कि अच्छाइयां ही लोगों में ट्रांसफॉर्म की जाएं। एक अल्कोहल करने वाला व्यक्ति कोशिश करता है कि अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए बांटा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसके दोस्त इस सब चीज़ के आदि हों। तो क्यों ना हम एक मिशन बनाकर सभी लोगों को अवेयर करें इस चीज़ के प्रति कि अगर कोई व्यक्ति आपका दोस्त, आपका
मिलने वाला कोई रिलेशन में है, जो व्यक्ति गलत चीज़ों में फंसा हुआ है, तो हम क्यों ना उसको अवेयर करें, क्यों ना इन चीज़ों से, गलत चीज़ों से निकालने की कोशिश करें। हो सकता है दोस्तों आप 10 लोगों को कहें तो 10 लोग नहीं आपकी बात को माने, लेकिन हो सकता है कि एक व्यक्ति आपकी बात को मान जाए। तो दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों के साथ में, इन्हीं सभी विचारों के साथ में आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए।